नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इंडियन प्रीमियर लीग, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से या 26 सितंबर से हो सकती है। ये टूर्नामेंट यूएई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और यूएई में यहां पर देखने को मिलने वाला है क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ। इस महाकुंभ में 8 टीमें आपस में भिड़ेंगी और एक दूसरे से लोहा लेंगी। इससे पहले आईपीएल 2014 में ऑर्गेनाइज किया गया था यूएई में, आईपीएल का आधा भाग था वो, लेकिन फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से यहां पर जिस तरीके से परिस्थिति है भारत में तो आईपीएल ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। यूएई में इसे ऑर्गेनाइज कराने की बात की जा रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद अब क्रिकेट में बायोसिक्योर इन्वायरमेंट का भी जिक्र होने लगा है ताकि खिलाड़ी भी जो है वो सुरक्षित रहें और कोई कोरोना के चपेट में ना आए। जाहिर तौर पर बिना दर्शकों के स्टेडियम्स में जो है वो मैच होंगे। और अब आईपीएल अगर यूएई में होता है तो कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए, मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो दो सबसे कंसिस्टेंट टीम्स जो रही हैं वो रही हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। दोनों के बीच पिछला फाइनल हुआ, मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी और उसके बाद चेन्नई और मुंबई बेहतरीन टीमें मानी जा रही है। लेकिन इस बार आरसीबी को जो है वो जबरदस्त टीम माना जा रहा है, क्योंकि आरसीबी के लिए इसलिए भी इजी है क्योंकि यहाँ की बैटिंग कंडीशन जो है वो आरसीबी को सूट करती है। 2014 में जब आरसीबी खेली थी, जब 2014 में यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था आईपीएल, तो उस दौरान विराट कोहली का बल्ला जमकर गरजा था, बाकी खिलाड़ियों का बल्ला जमकर गरजा था। तो यूएई में आरसीबी की टीम जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक नजर आती है। यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब को भी बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि इस टीम में भी बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो पिंच हिटर्स की टीम है, जैसे जब आपकी बल्लेबाजी बड़ी होती है तो फिर आप क्या करेंगे। आरसीबी, जैसे हम सुनते हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स का नाम हमारी नजरों में सामने आ जाता है, लेकिन अगर सीएसके की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अंबती रायडू, केदार जाधव, ये ऐसे डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच को निकाल सकते हैं और इन्होंने ये करके दिखाया भी है। हमेशा मेरा ये कहना रहा है कि आईपीएल वही टीम जीत सकती है जिसके डोमेस्टिक खिलाड़ी अच्छे। यूएई में परिस्थितियां थोड़ा सा अलग होंगी, हम बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, फिलहाल जो 3 ग्राउंड्स पर आईपीएल को ऑर्गेनाइज कराने की बात की जा रही है, अबू धाबी, दुबई और शारजा। शारजा में उतनी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर शारजा में मैचेस होते हैं तो इन 3 ग्राउंड्स पर अगर मैचेस हुए तो यहाँ पर जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा पिचेस स्लो होती जाएंगी, यानी कि टूर्नामेंट के हम फर्स्ट फेज में 190 से 200 रन देख सकते हैं, लेकिन सेकेंड फेज में यही स्कोर 120-125 भी होंगे और इसको टीमें डिफेंड भी कर पाएंगी। तो गेंदबाजी जिस टीम की बेहतर रहेगी, अब गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो मुंबई इंडियंस थोड़ी सी बेहतर नजर आती है और चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी बेहतर नजर आती है क्योंकि स्लोअर रन अच्छा डालते हैं इनके पास, ड्वेन ब्रावो है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, पीयूष चावला चेन्नई की टीम में आ चुके हैं और इसके अलावा इनके पास कई ऐसे पार्ट टाइमर्स भी हैं, साथ ही रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास भी एक मजबूत टीम है और एक ऐसी टीम है जो एक अलग तरीके की रणनीति बना सकती है। कृणाल पांड्या है, हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा खुद कप्तान काफी डेंजरस हैं और उसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, बाकी खिलाड़ी जो हैं वो इस टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर जिस हिसाब से हमने पहले के आंकड़े जो जोड़े हैं उस लिहाज से देखा जाए तो आरसीबी की टीम जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ती नजर आ रही है बल्लेबाजी के दम पर। गेंदबाजी पर आरसीबी पूरी कमजोर है। देखिए, हम ये तो कहते रहे हैं कि इस टीम में जो हुनर है, जिस टीम में खिलाड़ी है उस लिहाज से देखा जाए तो ये टीम बहुत पीछे है और कहीं ना कहीं अब आरसीबी को भी अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, अपनी ताकतों को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आरसीबी की टीम जो है वो टूर्नामेंट जीत सकती है। बहरहाल, आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो यूएई में अगर आईपीएल होता है वो धमाल मचा सकती हैं। बाकी अगर एक आधी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आई, जैसे दिल्ली कैपिटल्स है, सनराइजर्स हैदराबाद को हम नहीं भूल सकते हैं, इस टीम में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीमें हैं जो एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है, आईपीएल कौन जीतेगा अगर यूएई में ऑर्गेनाइज होता है, वो हमें जरूर बताएगा हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। आपकी बात को हम अपने प्रोग्राम में जरूर आगे रखेंगे और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।